मऊ जिले के सराय लखनसी थाना क्षेत्र के खालिसपुर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब महिला अपने ससुराल आई और जब गेट नहीं खुला तो अपने परिवार के साथ घर के बाहर ही धरने पर बैठ गई। इस मामले की सूचना गांव में फैली तो लोग इकट्ठा हो गए। वहीं पुलिस को जानकारी होते ही मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। आपको बता दें कि आलोक रंजन और संध्या एक दूसरे से प्रेम करते थे और दोनों के परिवार की रजामंदी से कोपागंज थाने की पुलिस ने मंदिर में शादी कराई थी, लेकिन आज पति आलोक रंजन अपनी पत्नी को छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद पत्नी संध्या अपने ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गई। इस मामले में पीड़िता ने बताया कि हमारी शादी प्रेम प्रसंग से हुई है और दोनों परिवार की सहमति से, लेकिन हमारे पति आलोक रंजन हमें अपने साथ नहीं रखना चाहते, इसलिए हम अपने ससुराल के बाहर धरने पर बैठे हैं। वहीं पर अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों की शादी हुई थी और कई बार मामला प्रकाश में भी आया था। 11 जून को दोनों परिवार को बुलाया गया है। मैं अपने हस्बैंड के घर आई हूँ, यहाँ पे मेरे हस्बैंड शादी करके हमको छोड़ के चले गए हैं। मैं वहाँ पे आई हूँ, मेरे हस्बैंड को मेरे सास ससुर भगा दिए हैं, रहने नहीं दे रहे हैं घर में। एसपी के पास गई हूँ, हर जगह महिला पुलिस कोपागंज थाने हर जगह गई हूँ, मुझे कहीं न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए मैं धरने पे बैठी हूँ। अब मुझे इस घर में रहना है, शादी की हूँ तो रहूँगी। क्षेत्र की रहने वाली लड़की संध्या के बारे में बताया गया कि इसकी शादी आलोक रंजन से हुई थी, प्रकरण प्रेम विवाह का है। इनका मामला एक लड़की को अपने ससुराल में रखने का भी है। प्रकरण में परिवार सुलह समझौता केंद्र जो हमारे यहाँ चलाया जाता है, दर्ज किया गया है। एक दो बार प्रकरण में बुलाया गया लड़के पक्ष को, तो अभी उपस्थित नहीं आए। इस प्रकरण में 11 जून को फिर दोनों पक्षों को, जब हमारी मीटिंग होती है समाज के महत्वपूर्ण लोगों के साथ, ऐसे प्रकरण निस्तारण में बुलाया गया है। आपके द्वारा बताया जा रहा है, जानकारी में आया है कि लड़की अपने घर में प्रवेश के लिए घर के सामने बाहर बैठी हुई है। अगर कोई तहरीर आती है तो उसके लिए मुकदमा लेकर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये प्रकरण परिवार परामर्श केंद्र में है और किन परिस्थितियों में ऐसा किया जा रहा है उसकी हम जांच करा के कार्रवाई करेंगे।